गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दो चैप्टर है, स्थिर वैद्युत और विद्युत धारा। फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया जाता है। विद्युत शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई है। एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है, सर थॉमस ब्राउन के अनुसार। किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युतमय कहते हैं। इन्हें आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। विद्युत के प्रकार काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला है स्थिर वैद्युत। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत कहते हैं। दूसरा विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील वैद्युत या विद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम, जिसका संकेत सी। वेमे सूत्र वैद्युत आवेश इज इक्वल टू धारा इनटू समय। धारा मात्रक एम्पियर, ए समय टी, तो एम मिश्र हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी ए। आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए प्रयोग। पहला प्रयोग, कांच की एक छड़ लेते हैं, उसे रेशम की कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। कांच की एक अन्य छड़ लेते हैं, उसे भी हम रेशम की कपड़े से रगड़ते हैं तथा धागे से लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। हम पाते हैं कि धागे से लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। दूसरा प्रयोग, इबोनाइट के एक छड़ लेते हैं, उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। एबोनाइट के एक अन्य छड़ लेते हैं, उसे भी ऊनी कपड़े से रगड़कर पहली छड़ के पास लाते हैं। ऐसा करने से पहली छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। तीसरा प्रयोग, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर
धागे से ही लटका देते हैं तथा एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर कांच की छड़ के पास लाते हैं। ऐसा करने से दोनों छड़ एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। इन तीनों प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ को काचाप कहते हैं, एबोनाइट की छड़ को रेजिंग कहते हैं, अर्थात कांच की छड़ धनात्मक आवेश होता है और रेजिन की छड़ ऋणात्मक आवेश होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इस प्रकार से दो प्रकार होता है।